दोस्तों, ये है मेरा गूगल पे, जिसके अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूँ आपकी यूपीआई आईडी कहाँ पर दिखाई देती है और आपका क्यूआर कोड कहाँ पर दिखाई देता है। वैसे तो आप डायरेक्टली देख रहे हैं कि फ्रंट पेज पर ही आपको यूपीआई आईडी यहाँ पर नजर आ जाएगी, लेकिन सिर्फ एक यूपीआई आईडी नहीं होती दोस्तों, बहुत सारी यूपीआई आईडीज होती है आपकी, जो कि अलग अलग समय पर, जैसे आईसीआईसीआई बैंक का सर्वर कभी डाउन हो गया तो दूसरी यूपीआई आईडी काम में आ जाती है। वो कैसे देखना है वो सारी चीजें मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना और उसके बाद इस तरफ इस तरीके से स्लाइड करना है, तो आप लेफ्ट स्लाइड कर सकते हो, फिर स्कैन एनी क्यूआर का बटन दबा सकते हो। इस पर आ जाओगे तो ऊपर की तरफ आपको क्यूआर का एक लोगो दिखाई देगा, इस पर सिंपली टच करना तो आपको यहाँ पर अपनी यूपीआई आईडी नजर आ जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर क्यूआर कोड भी दिखाई दे रहा है, नीचे यूपीआई आईडी भी आपको दिखाई दे रही है। इसके अलावा आप अपने फोटो पर जा सकते हैं, फोटो पर जाने के बाद यहाँ से आप जो है अपने बैंक अकाउंट पर जा सकते हैं और यहाँ पर बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बैंक पर आने के बाद देखिए, मैनेज यूपीआई आईडीज का बटन आपको दबाना है, और यहाँ पर आने के बाद देखिए 3x3 यूपीआई आईडीज दिखाई दे रहा है, एडेड दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करेंगे आपको आपकी सारी यूपीआई आईडी, देखिए अगर कभी आईसीआईसीआई बैंक का सर्वर डाउन रहा तो एचडीएफसी बैंक से काम हो जाएगा, और यहाँ से भी नहीं हुआ तो एक्सिस बैंक से काम हो जाएगा। इस तरीके से आपकी अलग अलग यूपीआई आईडीज बनी होती है अलग अलग बैंक से रिलेटेड, तो इस तरीके से हो जाता है। जरूरी नहीं कि उसमें आपका बैंक अकाउंट हो, देखिए मेरा सेंट्रल बैंक का अकाउंट है, लेकिन यूपीआई आईडी में सारे बैंक यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी यूपीआई आईडी अलग अलग होती है, अगर एक से नहीं आ रहा तो दूसरी यूपीआई आईडी देकर के काम चला सकते। इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो स्क्रीन पर वीडियोस रहे, और कुछ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।